माई तुम्हें लगा कि तुम और मैं माई आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें कभी कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहता था। तुम सोच क्या रही थी यार माही? डैम क्या सोच रही थी? व्हाट वर यू थिंकिंग माही? मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी हो सकता है। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। माही मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह देखता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस दुनिया में तुम्हारे लिए भी एक लकी लड़का बना होगा जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत खुश। पर आदि, इतने दिनों से ये सब कुछ जो हो रहा था वो मुस्तान? अरे माही, वो तो मैं जोया को चिढ़ाने के लिए कर रहा था। माही ज्यादा हो गया क्या? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं की है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई लाइन क्रॉस की है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं सिर्फ जोया को सुसाइड अटेम्प्ट से पहले वाली जोया बनाना चाहता था। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ तुम्हें लोग प्रोटेक्टिव थी, इसीलिए मैंने, मुझे नहीं पता था तुम इतनी सीरियस हो जाओगी। तुम I'm so stupid. कितनी गंदी हूँ ना मैं, कुछ भी सोच रही थी यार। What's wrong with me? मैंने फिर से अपने दिल की बात मानी, अब फिर से अपने आप को बेवकूफ बनाया ना। It's okay. आनी, मैं इसे एक लेसन समझ लूंगी। माही, कम से कम इस बहाने हम लोग अच्छे दोस्त तो बन गए। दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना? ऑफ कोर्स आदि। इनफैक्ट अब तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। आई विल सी यू। बेशक मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कमी है मुझ में? क्यों भगवान ने प्यार वाली लाइन मेरे हाथ में बनाई नहीं है क्या? भैया का भी प्यार नहीं मिला, भैया ने भी सोया कोई चुना, सब कुछ उसी के नाम कर दिया, और पाती ने भी वही किया। माही, माही यहाँ देखिए, अब रो क्यों रही है? प्लीज, इतना आसान नहीं है सर। केस सीबीआई के हाथ में है, हमें खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर तो मुझे उन्हीं के पास चले जाना चाहिए। खामखा तुम लोगों के पास अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एटलीस्ट उस ऑफिसर का नाम और नंबर तो ला के दे सकते हो, या ये भी मुश्किल है? हो जाएगा सर, डोंट वरी। डोंट वरी, हो जाएगा।
इसी बात का डर था हमें। कहा था ना हमने आपसे दूर रहिए माई से, लेकिन नहीं, हमारी बात तो आप सुनते नहीं है। तोड़ दिया ना उन बेचारी का दिल। आपको इल्म भी नहीं है कि आप किस दर्जे के खुदगर्ज इंसान हैं। अगर खुदगर्ज एक फन है ना, तो आप उसके उस्ताद हैं। हमें तो सोचकर ही खौफ आता है कि आपके पेचीदा दिमाग में कैसे मंसूबे चलते हैं। बस करो यार गालिब, कितना बोलोगी। मैंने माही के साथ सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, कभी उसे कोई स्पेशल कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, कभी फूल नहीं खरीद के दिए, कभी कार्ड नहीं खरीद के दिए, कभी अकेले कॉफी पे, ड्राइव पे नहीं लेकर गया, डेट पे नहीं लेकर गया। जब मैंने उसे स्पेशल फील करवाया ही नहीं, उसने स्पेशल फील कैसे कर लिया। हाँ, मैंने उसके साथ हंसी मजाक किए, बातें की। अगर तुम्हें लगता है कि इसका मतलब फ्लर्टिंग होता है, तो आई एम रियली सॉरी। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें फ्लर्टिंग का मतलब भी नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने माही को पटाने की कोशिश नहीं की है। अगर वो खुद ब खुद पट जाती तो इसमें मेरी क्या गलती, और वो पटी क्यों, इसमें मेरा क्या कसूर। वाह, कुछ नहीं किया आपने। आप तो कभी कुछ करते ही नहीं, आप सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाते कि इसने ये किया, उसने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। एक लड़की जिसके आप मुंह भी नहीं लगते थे, उनके आगे पीछे करना, हंसी मजाक करना, उन्हें इतना सारा अटेंशन देना, इंटेंसिटी भरी निगाहों से उन्हें देखना, जाहिर है माही बहक गई और उनका दिल पिघल गया। लो, अब मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूं, तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारी आंखों में इंटेंसिटी भरी आंखों से देख रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारा भी दिल पिघल रहा है, इश्क हो गया तुम्हें मुझसे। शादी मुबारक हो जोया एंड आदि आदित्य। ये लीजिए। जोया, पहली बार शादी कर रही हो क्या? मेरे कहने का मतलब है कि 3 साल से शादीशुदा हो, जस्ट रिलैक्स। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और तुम तो इतनी खुशनसीब हो कि तुम्हें इसी पल को जीने का दोबारा से मौका मिल रहा है। अब आप दोनों अपना हाथ आगे कीजिए। पंडित जी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर लीजिए, हर चीज इतना प्रॉपरली करना जरूरी है। आदित्य बाबू, पंडित जी जानते हो क्या कर रहे हैं। पंडित जी आप आराम से करिए, ओके। अब आप अपना हाथ इनके हाथ के नीचे रखिए। गठबंधन के लिए कौन आएगा?
मैं करूंगी गठबंधन। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। दोनों फिरे शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वसज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय धनवती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वसज। कैसी ये साजिश रूठी है रंजिश लेती है यार। ये तो बिल्कुल असली वाली शादी हो रही है। पंडित जी अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? लक्ष्मी जी अब 100 साल तक आपकी कंपनी और आपके परिवार पर कृपा रखेंगी, आप निश्चिंत रहिए। किसी ने माही मैम को देखा है क्या? वो अचानक से कहां गायब हो गई है? कन्या वर के आगे आ जाइए।